वाले से मैंने आपको बता दिया कि ओपन ड्राइव हम बात करते हैं, तब क्योंकि मैंने जो आपको स्क्रीन के साइज सॉरी साइज के साइजेस बताए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो औसत पार्टिकल होगा वो सबसे टॉप पे रुकेगा, ठीक है, और फाइनल पार्टिकल सबसे नीचे जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सीव एनालिसिस के अंदर जब मैं तब्दील दबाऊंगा सीव की मदद से, तो सीव का सेंटर जो मिल गया अब जो सीव है, सीव एनालिसिस है, उसके अंदर हम कोई 8 से 10 सीव लगाएंगे, वो डिफरेंट नंबर की सीव होंगी, ठीक है। इसका एक असूल जो बुनियादी असूल है, वो सबसे पहले समझ लें कि जो टॉप सीव होगी, जो टॉप मोस्ट सीव होगी, वो मेन हमें डिफाइन करेगी कि हमारे जो सायल सेंटर हमने प्रोडक्ट किया है उसका सबसे मैक्सिमम साइज कौन सा है। तो उसके लिए एक ही शर्त है, शर्त यह है कि जो टॉप मोस्ट सीव है वो एम्प्टी रहनी चाहिए, उसके ऊपर कोई सायल पार्टिकल रिटेन ना करे, रुके ना। उसकी रीजन क्या है कि अगर हमने टॉप मोस्ट सीव 1 इंच की लगाई है, उसकी ओपनिंग 1 इंच की थी, अगर उसके ऊपर कोई पार्टिकल रुका मोर देन 1 इंच, तो अब वो 1 इंच से ज्यादा है, वो है कितना ये हमें नहीं पता, जब तक हमें उसका साइज डिटरमिन नहीं होगा, तो उस वक्त तक हम ये नहीं कह सकेंगे इसके अंदर कितने साइज के पार्टिकल्स मौजूद हैं, ठीक हो गया। कि अब हमें 1 इंच से ऊपर 1.5 इंच की सीव लगानी है, अगर उसमें से भी पास नहीं होता तो उसका मतलब 2 इंच का साइज हो सकता है, हम उसके ऊपर 2 इंच की सीव लगा देंगे, 2 इंच ओपनिंग की, तो जब उससे पास हो जाएगा तो अब मुझे ये पता चल गया कि मेरी जो साइज थी उसके अंदर मैक्सिमम जो साइज था वो 1.5 इंच का साइज था पार्टिकल का, 2 इंच से वो पास हो चुकी है, तो अब इसका मतलब 2 इंच का साइज नहीं है उस पार्टिकल का, तो लिहाजा टॉप मोस्ट सीव हमेशा एम्प्टी रहनी चाहिए, उसके अंदर रिटेन वेट नहीं आना चाहिए किसी भी सैंपल का, बात समझ गए। अब दूसरी चीज जो आपके सामने हुई है कि जो सबसे बड़ी ओपनिंग होगी सीव की, जो हम उस टेस्ट के अंदर यूज करेंगे वो टॉप पे लगेगी, मैंने कहा 2 इंच की सीव है टॉप पे हम यूज कर रहे हैं, तो वो टॉप पे लगेगी, और जो इससे नीचे होगी वो सारी फाइनल सीव लगती जाएंगी, ठीक। अब फिर यहाँ पे एक्सपीरियंस बेस है कि आप किस सैंपल को टेस्ट करने जा रहे हैं, आपने जब पॉर्टमेंट या रिफिलिंग की थी तो आपको ये पता था, अंदाजा ये था कि इसके अंदर मैक्सिमम साइज कितना है, वो अंदाजा है आपका, ठीक हो गया। तो आपने उसके हिसाब से जो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन है, जो सीव्स हैं कि ओपनिंग जो मैक्सिमम बड़ी होगी, सबसे बड़ी होगी वो टॉप पे होगी, जो मिनिमम होगी वो बॉटम पे होगी। तो 200 नंबर सीव मैंने आपको कहा था कि वो प्ले का डिवाइडर है, तो 200 नंबर सीव जो है वो सबसे बॉटम पे होगी। अब चूंकि सीव है, जब हम उसको सीव करेंगे तो क्या होगा, उसमें से मटेरियल पास करेगा, ठीक है। तो इसके एंड के ऊपर हम एक यूज करते हैं जिसको कहा जाता है पेन, जिसके ऊपर जाली नहीं होती, जिसकी बेस सॉलिड होती है, ठीक हो गया। चलो सीधी बात की मैं आपको बता देता हूं, सबसे एंड पे जो आपके पास है वो क्या है, पेन। अब जो सीव्स हैं, आपकी जैसे आप बादल आटा भी आप इसी से छानते हैं, ठीक है,
तो अब ये जो सीव है आपकी, इस सीव के अंदर आपको ओपनिंग्स नजर नहीं आ रही, मतलब दूर से आपको सिर्फ लाइट पास होते नजर आ रही है, इसकी आपको जाली नजर आ रही है, ठीक है। अब इसका जो एक इंच है उसके अंदर 200 ओपनिंग है, इस एक हिस्से के अंदर इसके 200 ओपनिंग मौजूद है। तो ये सेम डाया की सीव है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी इसके अंदर ये ओपनिंग है तो उतनी मल्टीप्लाई बाय 200 कर लें, इतनी ओपनिंग इसमें है। समझ आ गई बात, ये आपके पास डिफरेंस है। दूसरा जो मेजर डिफरेंस आपको नजर आएगा कि जैसे मैंने आपको कहा कि चार नंबर सीव है, चार नंबर सीव है, तो ये देख लें कि इसके अंदर एक स्क्वायर इंच के अंदर चार ओपनिंग है। समझ आ गई बात, एक साइज का डिफरेंस है, क्योंकि सॉलिड बेस है। अब जो सैंपल होगा जब आप सीव करेंगे तो जो सैंपल इस 200 नंबर से पास होगा वो इसके अंदर कंप्लीट होगा। समझ आई बात, ठीक है। अब इसका प्रोसीजर समझ लें कि मैंने आपको कहा कि सबसे कोर्सर साइज की सीट टॉप पे होगी और फाइनल भी बॉटम पे होगी और एंड पे पेन होगा। अब हमने करना क्या है, इसके दो मेथड्स हैं, क्योंकि लाइट नहीं है तो अब आपको खुद हाथों से टेस्ट पर काम करना पड़ेगा। सीट एक्सेस के लिए ये था कि जैसे ये सीट तरतीब से लगी है तो अगर लाइट होती तो हम सीट शेकर यूज करते हैं। सीट शेकर यूज करते हैं जिसको मैकेनिकल सीट शेकर कहते हैं। अब इस सीट शेकर का काम क्या है कि जब आप इन सीट को तरतीब से लगा के आप इसके अंदर साइज का सैंपल डालते हैं, क्योंकि ये छोटे डायर की सीव है तो इसके अंदर आप मैक्सिमम 500 ग्राम सैंपल लेंगे। अब याद रखते हैं कि जब हम ये टेस्ट परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं तो पहले सैंपल का वेट करते हैं। ट्रायल हमने कर दिया, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे हम ले आए, उसके बाद हम इसके अंदर क्या करेंगे, सैंपल डाल देंगे। क्ले नाम समझे उसने तोड़ दिए, जो सैंपल फाइनल हुआ हमने उसमें से 500 ग्राम सैंपल इसके अंदर डाल दिया। अब 500 ग्राम सैंपल डालने के बाद अगर सीव शेकर होता तो हम सीव शेकर के ऊपर इसको रख देते उसकी बेस के ऊपर और फिर उसको आग करते तो उसने ऐसा क्रिएट करना था, आटा छानते हुए आप ऐसे ही छानते हैं ना, ठीक है। इनके भी अगर बात ज्यादा बोलते हैं तो मुझे लगता है ये ज्यादा छानते हैं और फिर इसी तरह इसके नीचे जो भी सीव होगी वो ये वाली सीव है इसके नीचे, तो अब इसके ऊपर बाकी सारा सैंपल आ गया। जब सीविंग होती रहेगी तो फिर इसका साइज इसके ऊपर रिटेन करेगा, बाकी सारा इसमें से पास करेगा और बता के आपके पास सैंपल के अंदर भी आएगा। अब हुआ क्या कि जब 500 ग्राम सैंपल ये थी, अब होगा क्या कि 500 ग्राम सैंपल आप यूज कर रहे हैं तो 500 ग्राम सैंपल के अंदर एक बात तो ये याद रखें कि जितना वेट ऑफ सैंपल आपने लिया है एंड पे उतना ही वेट ऑफ सैंपल आपके पास आना चाहिए। इन तमाम सीड्स की रिटेन जो है, रिटेन वेट जो है, जो तमाम सीड्स पे रुकेगा इंक्लूडिंग आपका पेन, ये सारे का सारा सैंपल उतना ही होना चाहिए जितना आपने टेस्ट के स्टार्ट में लिया था। अगर डिफरेंस है तो फिर आपकी कैलकुलेशन गलत है, ठीक हो गया, आपने जो वेट लिया वो गलत है। अच्छा, अब आपने इस दौरान दो चीजें नोट करनी है,
पहली चीज ये है कि आपने हर सीट के ऊपर जो मटेरियल रिटेन हुआ है, जो धोखा है हर सीट के ऊपर, उसको आपने वेट कर लेना है, उसको आप कहते हैं वेट रिटेन। वेट रिटेन क्या करना आपने, हर सीट के ऊपर आपने जितना मटेरियल रुक जाएगा उस मटेरियल का वेट कर लेना है, और वेट करने के बाद आप लिखेंगे वेट रिटेन वो उस नंबर ऑफ सीट के इक्वल लिखेंगे। बस कि आपने चार नंबर सीट का लिखा है, इस चार नंबर सीट के ऊपर जो सैंपल रुका है वो आपका 50 ग्राम रुका है, ठीक है, 500 ग्राम आपने सैंपल लिया था, 50 ग्राम रुका है, इसका मतलब ये हुआ कि 450 ग्राम इससे पास हो गया, ठीक हो गया। अब आपने यहां से रिटेन परसेंटेज निकालनी है। रिटेन परसेंटेज क्या है कि इसी चार नंबर के ऊपर 50 ग्राम सैंपल आया, टोटल हमने 500 ग्राम सैंपल दिया था, मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये आपको परसेंटेज रिटेन आ गई हर सीट की, ये आपने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। जी सर, पहले हर सीट के ऊपर जो रिटेन मटेरियल है उसका वेट लेना है, फिर उसकी परसेंटेज रिटेन आपने फाइंड आउट करनी है, फिर उसके बाद जब ये सारा प्रोसीजर आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एंड पे आपके पास पेन है, तो फिर आप पेन का रिटेन देखेंगे कितना है। अब इस सारे को प्लस करेंगे आप, तो आपके पास इधर से 100% आना चाहिए, परसेंटेज रिटेन में 100% आना चाहिए, और वेट रिटेन के अंदर आपके पास 500 ग्राम पूरा आना चाहिए। हाँ, ठीक है, ठीक है, समझ आ गई बात। अब इसके बाद आपने जो दूसरी वैल्यू लेनी है, जो मेन वैल्यू इसकी है, उसको कहते हैं पासिंग परसेंटेज। पासिंग परसेंटेज ये मेन चीज है जो आपके रिजल्ट के अंदर यूज होनी है, जो आप ग्राफ आपको इधर शेख साहब आपने दिया है ग्राफ को उसमें नोट्स में आपको गिवन है सीव एनालिसिस का, तो सीव एनालिसिस के अंदर उस ग्राफ के अंदर आप गौर करें तो आपके पास एक्स एक्सिस के ऊपर सीव की ओपनिंग है और वाई एक्सिस के ऊपर आपके पास परसेंटेज पासिंग है, तो लिहाजा सीव ओपनिंग को आपने जो सीव का सेट लगाया है इसके साइज आपको पता चल गया, ठीक है, वो इसके ऊपर लिखा भी होता है, तो आपने वो सीव ओपनिंग किया तो आपने वो सीव साइजेस आ गए। पासिंग परसेंटेज आपने कैसे कैलकुलेट कर दिए कि जो परसेंटेज रिटेन आपने ली है उसको 100 में से माइनस करेंगे, 100 माइनस परसेंटेज रिटेन वो आपके परसेंटेज पासिंग होगी उस सीट की, बात समझ आई कहीं नहीं। जो आपने वेट रिटेन लिया और वेट रिटेन से फिर उसकी परसेंटेज रिटेन आपने ली, जो परसेंटेज रिटेन हर सीट की आएगी उसको 100 में से माइनस करते जाएंगे तो आपके पास परसेंटेज पासिंग आएगी। पासिंग आएगी यहाँ पे अपना 90% का जो आपको पॉइंट लगेगा वो कितने
जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा, पिता को सी एमपी रहेगी, उसमें से 100% पास होना चाहिए, पास रिटर्न नहीं होना चाहिए। क्या होगा? 100% पास होना चाहिए। जिसका मतलब ये हुआ कि वो कोई भी सी हो, तो यहाँ पे सी हो, इसका मतलब है वो इस 100 की लाइन के ऊपर ही आएगा। चलो चलो पॉइंट समझ गए, जिसके ऊपर रिटेन कुछ भी नहीं होगा। उसके अंदर आगे वैल्यूज डालेंगे, हर सीट के अगेंस्ट उसकी परसेंटेज पासिंग डालेंगे, तो आपके पास एक ग्राफ बन होगा। वो ग्राफ भी इस तरह का होगा, ठीक हो गया? इसके ऊपर आपके पॉइंट्स भी मेंशन होंगे। समझ आई बात? अब इसका मतलब क्या है? अभी जो ग्राफ आपका बनेगा, इसके ऊपर आपके पास ये एक पॉइंट है, आपने ये देखना है कि आपका ये ग्राफ आपको जो नॉर्मल बिहेवियर देगा वो क्या होगा। अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये जो आपकी रिटेन परसेंटेज मैंने निकाली है, ये जो रिटेन परसेंटेज है, इस रिटेन परसेंटेज के अंदर अगर मैं आपको ये कहूँ कि 40 नंबर सीम के ऊपर आपका 90% मटेरियल रिटेन हो चुका, तो पास कितना हुआ? 10%। 40 नंबर सीम मैंने आपको बताया बेरियर किसका है? सैंड और सिल्ट का। किसका बेरियर है? सैंड और सिल्ट का। अब इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो साइल सैंपल है वो 90% ऊपर क्योंकि रिटेन हो चुका था, सिर्फ 10% पासिंग नीचे बची थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर जो ग्रेवल का साइज 4 नंबर के ऊपर जो सैंपल रिटेन हुआ वो भी 10% था। तो इसका क्या मतलब है? 10% ऊपर रिटेन हो गया साइन से, 10% साइन से नीचे पास हो गया, 20% सैंपल सैंड के अलावा है, बाकी 80% सैंपल आपका क्या है? सैंड। समझ आ गई बात? अब जब आप उसको नॉन ग्लेशियर देंगे तो इसकी जो मेजर पोर्शन है वो क्या है? सैंड। सेकंड नंबर पे उसके कौन सा पोर्शन आ गया? ग्रेवल। ठीक है, मैंने आपको कहा बोल्डर्स कॉपर मतलब ग्रेवल का ऑप्शन ए की नॉर्मल नेचर करते हैं, वो क्या है? ग्रेवल। तो वो जो है वो क्या होगा? ग्रेवल। तो सेकंड पोर्शन उसके अंदर क्या आ गया? ग्रेवल। ग्रेवल। अगर सिल्ट या सैंड सेकंड पोर्शन होती है, सिल्ट और क्ले सेकंड पोर्शन होती है, मैक्सिमम पोर्शन, तो जब नॉर्मल नेचर देते हैं तो ये याद रखना कि दो प्रॉपर्टीज की बेस के ऊपर देते हैं, जो मैक्सिमम है उसको सेकंड नंबर पे जोड़ा जाता है, मैंने आपको कहा कि 80% सैंड है, लेकिन इसके बाद जो फॉलो है ऐसा है कि लेट्स से मैं ये कहता हूं कि इसके अंदर जो बाकी मैक्सिमम पोर्शन था वो प्ले ज्यादा था, ठीक है? तो जब मैं इसको नॉन प्ले कर दूंगा तो मैं बोलूंगा कि ये प्ले सैंड है। बिल्कुल समझ आ गई बात? जब मुझे इस नाम से क्या जाहिर हो रहा है, इस सैंपल के अंदर इस जो सारे सैंपल में ब्लैक करके लाया हूं, इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज है वो सैंड की है, जो साइजेस है वो सैंड के साइजेस है, और उसके बाद जो ज्यादा पोर्शन है वो क्ले का है। जब ग्रेवल की बात करूंगा तो आप इसको ग्रेवी सैंड भी कह सकते हैं, इसको ये भी लिखा जाता है या सैंड विद ग्रेवल्स भी नॉर्मल नेचर में दिया जाता है।
मुझे क्ले के टेस्ट परफॉर्म नहीं करने के लिए एक छोटा सा पोर्शन है इसके अंदर, ग्रेवर के टेस्ट परफॉर्म नहीं करने के लिए एक छोटा सा पोर्शन है इसके अंदर, उसकी प्रॉपर्टीज उसके अंदर इफेक्टिव नहीं होगी उस साइज के ऊपर। तो मुझे सैंड की प्रॉपर्टीज को देखना है, मुझे अगर क्ले का पोर्शन ज्यादा है तो फिर मैं क्ले की प्रॉपर्टीज को देखूंगा। जैसे हमने कहा सैंड है, तो यहाँ पे एक बात याद रखें कि हमें उसके साथ साथ लिथोलॉजिकल कंट्रोल भी पता है कि हम यहाँ पे जो जिक्र कर रहे हैं सीम एनालिसिस का, ये बाय साइज जिक्र कर रहे हैं, बाय मिनरोलॉजी जिक्र नहीं कर रहे, कि मिनरोलॉजिकली लाजमी नहीं है कि ये सैंड हो, ये साइज बाय सैंड जरूर है। सैंड के पार्टिकल का साइज क्ले का भी हो सकता है, सेंट का भी हो सकता है, समझिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्ले की प्रॉपर्टी भी रख सकती है, अगर मिनरोलॉजिकली बात करें, ठीक हो गया। तो लिहाजा ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस से हम सबसे पहले चीज क्या करते हैं, डिफाइन कि उसकी नस्ल का पता कर लेते हैं। ये डीएनए टेस्ट है साइज का, समझ आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेज इसका है कि इसके ऊपर हमें बाकी कौन से टेस्ट परफॉर्म करने हैं। सैंड आएगी तो सैंड के टेस्ट परफॉर्म करेंगे, अगर मिनरोलॉजिकली सैंड होगी तो, अगर मिनरोलॉजिकली सैंड नहीं है तो फिर हम बाकी टेस्ट इसके ऊपर परफॉर्म करेंगे। एक टेस्ट तो आपका ये हो गया, समझ आ गई है जी सर, इससे पूछे भी ना अच्छा जो लैंडस्लाइड के सैंपल आप लेके आए हैं इसके ऊपर कौन सा फील